हे गाइस, वेलकम टू चंदा ग्लैम ब्यूटी। और आज मैं आपको कॉफ़ी फेशियल करके दिखाने वाली हूँ, जो कि आपकी स्किन डार्क हो गई है। समर में हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है, तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो फेशियल है आप कॉफ़ी पाउडर से भी कर सकते हो, या फिर ये जो कोको पाउडर जो आता है इससे भी आप कर सकते हो। दोनों से ही अगर आप करोगे तो भी जो इफ़ेक्ट है वो वैसे ही आएगा। तो आप देख सकते हो कि मेरी स्किन जो है कितनी ज़्यादा डल लग रही है। तो हम पहले क्लिंजिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कॉफ़ी का पाउच लिया है और हमें सेकंड जो है वो लेना है एलोवेरा। तो एलोवेरा जो है आप ओरिजिनल भी ले सकते हो, ये बहुत ही अच्छा होता है ओरिजिनल, लेकिन मैं यहाँ पे जो मार्केट में जो आता है वही लूँगी। तो आपको एक कटोरी में कॉफ़ी लेनी है और उसके अंदर एलोवेरा जेल आपको मिक्स कर लेना है। तो आपको इतना मिक्स करना है कि इसके अंदर मिक्स ना हो जाए। तो एलोवेरा जेल डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद कुछ इस तरीके का ये रेडी हो जाएगा। 3 से 4 मिनट आपको क्लिंजिंग करना है, और जब ये जो क्लिंजिंग आप करोगे बिल्कुल हल्का हाथ चलाना है आपको अपने फेस के ऊपर, बिल्कुल भी जो हार्ड तरीके से जो हम मसाज करते हैं वो नहीं करना है। क्लिंजिंग करने से जो डेड स्किन होती है वो हटती है, जो डर्ट वगैरह जो जमा रहती है आपके फेस के ऊपर वो क्लीन होती है। उसके बाद जो आप फेशियल करते हो ना उसका निखार अच्छे से आता है। तो 3 से 4 मिनट करने के बाद आपको कोई भी कपड़ा लेना है, अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। ये जो फेशियल है कॉफ़ी वाला, इसको आपको वीक में एक बार करना है। ये जो कॉफ़ी जो फेशियल है गाइस, इतना ज़्यादा ब्राइट कर देता है आपके चेहरे को, जो ग्लो जो ख़त्म हो जाता है ना उसको लेके आता है वापस। और तो क्लीन हम कर लेंगे। क्लीन करने के बाद अब हम स्क्रब करेंगे। तो स्क्रब के लिए यहाँ पे मैंने कॉफ़ी ली है और इसी के अंदर यहाँ पे मैंने घिसा हुआ कोकोनट यूज किया है। आप चाहे तो जो शुगर पाउडर होता है वो भी आप ले सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा ग्लो आता है, अच्छे से स्क्रब होता है। लेकिन मैं अपने फेस के ऊपर ज़्यादा हार्श वाले जो स्क्रब होते हैं ना वो यूज नहीं करती हूँ। तो एलोवेरा जेल डाल के आपको मिक्स कर लेना है और 3 से 4 मिनट 5 मिनट आप अच्छे से स्क्रब करिए हल्के हाथों से। जो सर्कुलर मोशन जो होता है गोल गोल घुमाते हुए ऊपर की तरफ करते हुए आपको स्क्रब करना है। कोकोनट अच्छे तरीके से बिल्कुल माइल्ड तरीके से ना आपके फेस को स्क्रब करता है, ग्लो लेके आता है फेस के अंदर, जो दाग धब्बे होता है उसको हटाता है। तो उसके बाद फिर आप अपने फेस को क्लीन कर लीजिए जब स्क्रब हो जाएगा। स्क्रब करने के बाद ही आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगेगी, क्लीन लगेगी बिल्कुल। तो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रब कर लिया है और स्क्रब करने के बाद भी जो मेरे फेस में कितनी ज़्यादा चमक आ गई है। तो अब हम पैक बनाएंगे। पैक के लिए यहाँ पे मैंने कोको पाउडर लिया है, मिल्क पाउडर लिया है, ये है चावल का आटा, और आपको इन तीनों को मिलाने के लिए आपको चाहिए मिल्क। तो यहाँ पे कोको पाउडर मैंने लिया है और आपको मिल्क पाउडर ले लेना है, फिर उसी में आपको चावल का आटा मिक्स करना है। और मिल्क आप 1 से 2 चम्मच डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद कुछ इस तरीके का पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा। इसको आपको अपने फेस पे लगाना है और लगाने के बाद गाइस आपको 20 मिनट तक रहने देना है। ये जो पैक है ना, ये आपके फेस के ऊपर जो रिंकल्स जो उसको हटाता है, आपकी स्किन को टाइट करता है। पैक ड्राई होने के बाद जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो अपने फेस पैक को उतार ले, और जिनकी नॉर्मल टू ड्राई ऑयली स्किन है वो रोज़ वाटर लगा के 1 से 2 मिनट तक आपको मसाज करना है फेस पैक का। उसके बाद ही आपको क्लीन करना है अपने फेस को। ये कॉफ़ी फेशियल जब आप करोगे ना तो आपकी स्किन टाइट होगी, ग्लो आएगा आपकी स्किन में, जो चमक कहीं खो गई है वो वापस आएगी, जो दाग धब्बे हैं वो हटेंगे, और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी, गोरी हो जाएगी, जो आपका जो बर्थ कलर है वो वापस आ जाएगा, जो टैन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो कोई भी फेस पैक, चाहे आप फेशियल करते हो चाहे स्क्रब करते हो, उसके बाद आपको टोनर ज़रूर अप्लाई करना है, क्योंकि जो पोर्स जो ओपन होते हैं उसको क्लोज करने के लिए टोनर बहुत ज़रूरी है। एंड उसके बाद आपको एलोवेरा जेल अप्लाई कर लेना है, चाहे जो भी आप क्रीम अप्लाई करते हो वो अप्लाई कर लीजिए। तो आप देख सकते हो कि फेशियल करने के बाद मेरी स्किन में कितनी ज़्यादा चमक आ गई है। आपको अलग से कुछ महंगी क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई सिरम लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपना ध्यान रखना है, वो भी नेचुरल तरीके से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।